हाय एंड वेलकम टू एन एडवेंचर पैक्ड एपिसोड ऑफ इंडियन हॉलिडे। शहर की भागदौड़ से दूर आज चलते हैं किन्नौर की हसीन वादियों में खो जाने के लिए एंड टू रिवेल इन द ब्रेथटेकिंग बीचेस ऑफ अंडमान। वेलकम बैक टू इंडियन हॉलिडे। सैंडविच बिटवीन पंजाब एंड टिबेट, हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेट है। यहाँ का खूबसूरत पूर्वी जिला किन्नौर 1992 तक टूरिस्ट के लिए बंद था, बीइंग सो क्लोज टू चाइनीज ऑक्यूपाइड टिबेट। आजकल आफ्टर ऑब्टेनिंग इनर लाइन परमिट्स, टूरिस्ट यहाँ कैंपिंग और ट्रेकिंग का मजा ले सकते हैं। तो चलते हैं मिनी के साथ ऑन अ जीप सफारी थ्रू द प्रिस्टीन सांगला वैली। इस बार मैं जा रही हूँ ऑन अ जीप सफारी टू द ब्यूटीफुल वैली ऑफ सांगला इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। मैंने बहुत किस्से सुने हैं किन्नौर की खूबसूरत वादियों और लोगों के बारे में। ये इलाका कुछ ही साल पहले टूरिस्ट के लिए खुला है। मैं शुरुआत करूंगी शिमला से डाउन अक्रॉस द रिवर सतलज और फिर सांगला वैली तक। आई एम ऑफ टू एक्सप्लोर दिस फैसिनेटिंग टेरेन। शिमला से सांगला वैली 225 किलोमीटर दूर है, यानी ये सफर 8 से 10 घंटों में तय हो सकता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए हम जैसे टूरिस्ट सिर्फ गर्मियों में आ सकते हैं, बाकी 6 महीने ये इलाका बर्फ से पूरी तरह ढका रहता है। जीप से ट्रैवल करने की सबसे मजेदार बात ये है कि आप जहाँ चाहे उतर के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के निवासियों का मानना है कि वो किन्नर देवताओं के वंशज हैं। पहाड़ों में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जिनकी खासियत है ऐसे रंग बिरंगे प्रदर्शन। यहाँ का कल्चर हिंदू, बुद्धिस्ट और प्राचीन माउंटेन कल्ट का सुंदर मिश्रण है। इस ड्राइव के दौरान कुछ छोटे छोटे शहर रास्ते में पड़ते हैं, जैसे रामपुर जो कि हिमाचल प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट मार्केट टाउन है। चढ़ाई से पहले पेट्रोल भरवाने का ये आखिरी स्टेशन है। बर्फीले पहाड़ों का मेरा पहला व्यू, इसमें गॉर्जियस। इट्स अ लॉन्ग एंड टायरिंग ड्राइव। पहाड़ी रास्तों पर इतना लंबा फासला तय करना एक अकेले ड्राइवर के लिए तो मुश्किल है। So we took turns in driving। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए रास्ता और मुश्किल होता गया, लेकिन इन सजाओं में कुछ ऐसी कशिश है वन रियली फील कर रहे। रुड़कते रुड़कते पहुंच तो गए, लेकिन अभी कैंप तक आधा किलोमीटर और चलना है। So by the left, quick march। एक्साइटमेंट और एक्सर्शन के बाद बस एक ही ख्वाहिश थी, अ वार्म कंफर्टेबल बेड। बंजारा कैंप का एक खूबसूरत नजारा, बादलों में से झांकते हुए पहाड़ और साथ साथ बहती हुई बासपा नदी। यकीन नहीं होता कि ऐसी खूबसूरती जिसके बारे में सिर्फ सुना ही था मेरी आंखों के सामने है। यहाँ हैमक पर लेटने का और ही मजा है। पाइन की खुशबू और पेड़ों के बीच से झलकती हुई हल्की सी धूप। आप इस कैंप पर बहुत कुछ कर सकते हैं, थ्रो बॉल खेल सकते हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड अ होस्ट ऑफ इंडोर गेम्स लाइक स्क्रैबल, कार्ड्स एटसेट्रा। यू कैन इवन वॉच अ फिल्म ऑन वीडियो। पर यहाँ आकर एक हाइक या ट्रैक पर जाना तो बनता है। वहाँ उस पहाड़ के पीछे एक बर्फीला ग्लेशियर है
जहाँ चल कर जाया जा सकता है एंड आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट टू गेट देयर। ट्रैक पे जाने से पहले मैं गई डाइनिंग टेंट में एंड आई हेल्प माई सेल्फ टू अ हॉट ब्रंच। पहाड़ों में भूख खूब लगती है और अगर आपके कैंप में गरम गरम एक्सोटिक खाना मिलता हो व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर। टिप्स होते हैं। पहला, अपने साथ सिर्फ जरूरी चीजें लेकर जाएं, एसेंशियल आइटम्स ओनली। दूसरा, खाने के लिए हाई एनर्जी फूड जैसे चीज, चॉकलेट और बनाना लेके जाएं। तीसरा, आपके शूज बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए जैसे कि मेरे, और बारिश जो कि कभी भी हो सकती है उससे बचने के लिए रेनकोट ले जाना बहुत जरूरी है। सो आई गेस आई एम रेडी टू गो। लेजेंडरी माउंटेनियर जॉर्ज मैलरी से पूछा गया कि आप एवरेस्ट क्यों चढ़ना चाहते हैं तो उनका जवाब था बिकॉज इट्स देयर। साउंड लॉजिक, लेकिन मेरे लिए तो ये छोटा सा ट्रैक ही एक एक्सपीरियंस है। वॉकिंग थ्रू दीज वुड्स इज ऑलमोस्ट अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये उन गिने चुने दिनों में से है जब कुदरत और अपने बीच मुझे कोई फासला महसूस नहीं हुआ। के दौरान जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। After all, you're on holiday. किसी भी मोड़ पर नए नजारों से सामना हो सकता है। सबका लुत्फ उठाइए, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। चलते चलते थक गए हो तो just stop and relax. बस कुछ ही पल में यहाँ की क्रिस्प माउंटेन एयर आपको तरोताजा कर देगी। नाउ आई एम रेडी टू मूव ऑन। एक्सपीरियंस ट्रैकर्स का कहना है कि चढ़ते वक्त अपने फीट को इंक्लाइन पर रखना चाहिए, इससे थोड़ा आसानी होती है चढ़ने में। और अगर आपके पांव का रिदम इवन होगा और आप अपना सांस नाक से लेंगे तो आसानी होगी। तो ये है हमारा ग्लेशियर। छोटा है लेकिन एक ना एक दिन मैं भी किसी बड़े से ग्लेशियर तक पहुंच कर रहूंगी। And now I'm itching for a snow fight. माना यहाँ स्नो कम और आइस ज्यादा है, फिर भी मुझे मनमानी करने से कौन रोक सकता है। पहाड़ों की
की बर्फीली हवाओं में बॉनफायर का अलग ही मजा है। परफेक्ट एंड टू अ परफेक्ट डे। गाड़ी से नहीं जाया जा सकता, लेकिन यहाँ तक कि ड्राइव इज जस्ट वंडरफुल। हर तरफ नए नजारे और हर मोड़ पे नए अनुभव। सच, पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करने में मजा आ जाता है। कई छोटे छोटे गांव से होकर गुजरता है। इनमें रहने वाले किन्नौरी लोगों की मेहमान नवाजी के चर्चे तो मैंने बहुत सुने थे। अब उनसे मिलने के बाद मैं कह सकती हूँ कि जो भी कुछ सुना था बिल्कुल ठीक सुना था। इन सीधे साधे प्यारे लोगों के साथ बिताए कुछ पल मुझे हमेशा याद रहेंगे। टिम्बरलाइन कैंपसाइट। इस खूबसूरत लोकेशन पर बने टिम्बरलाइन कैंप्स में हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं। आसपास के इलाकों में घूमने घामने के लिए आप कैंप से माउंटेन बाइक ले सकते हैं। अगर आपको साइकिलिंग का खास शौक ना भी हो तो भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, यू लव इट। इस ट्रिप पे मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट सबक सीखा कि किसी भी खूबसूरत चीज को ढूंढ निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लाइक आई डिड, एंड इन माय केस इट वाज वेल वर्थ इट। बाय रोड सांगला शिमला से 229 किलोमीटर दूर है और इंडो टिबेट हाईवे पर करचम से 18 किलोमीटर की डिटोर पर है। सांगला वैली में रहने के लिए अच्छी जगह है बंजारा कैंप और टिम्बरलाइन कैंप चितकुल में। अपने वॉकिंग शूज ले जाना ना भूलें, क्योंकि सांगला का ज्यादातर हिस्सा पैदल ही देखा जा सकता है। अपने साथ कैंड फूड जरूर ले जाएं। सांगला में ट्रैकिंग का सबसे अच्छा समय है मई से अक्टूबर तक। भारत के कुछ अनमोल खजानों में से हैं द गॉर्जियस आइलैंड्स ऑफ अंडमान्स, विच हार्बर सम ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट एंड लीस्ट पॉल्ड मरीन रिजर्व्स। अंडमान्स एक खास हॉलिडे डेस्टिनेशन है जहां पर खूबसूरती, शांति और एडवेंचर का एक अनोखा मिलाप है। इंडियन हॉलिडे फाउंड माय फ्रेंड शिवानी हॉलिडेइंग देयर। क्यों ना अंडमान्स शिवानी के साथ देखें। बंगाल की खाड़ी के गहरे हरे पानी में बिखरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के समूह में 572 छोटे बड़े आइलैंड्स हैं, जिनमें से सिर्फ 36 इनहैबिटेड हैं। टूरिज्म सिर्फ अंडमान्स पर ही अलाउड है। टूरिस्ट के लिए अंडमान्स का एंट्री पॉइंट और बेस कैंप दोनों ही पोर्ट ब्लेयर है।
चेन्नई और कलकत्ता से यहाँ तक के लिए इंडियन अलायंस की फ्लाइट ऑपरेट करती है। पोर्ट ब्लेयर इन मेट्रो से बाय सी भी वेल कनेक्टेड है। पोर्ट ब्लेयर का नाम ब्रिटिश सर्वेयर लेफ्टिनेंट आर्किबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पड़ा। लेफ्टिनेंट ब्लेयर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ सर्वे के लिए भेजा था, लेकिन आजकल टूरिस्ट यहाँ की बेमिसाल बीचेस और अनबिलीवेबल नेचुरल सराउंडिंग को एंजॉय करने आते हैं। सूरज की पहली किरणों से धुला ये अनोखा नजारा एंडमैन का एक आम सनराइज है। कॉबन को पोर्ट ब्लेयर की जानी मानी बीच है। जितना खूबसूरत यहाँ का व्यू है, उतना ही टेम्पटिंग यहाँ के समुद्र का पानी। जस्ट राइट टू गेट इनटू द हॉलिडे मूड। एंडमैन का शायद सबसे मशहूर लैंडमार्क सेलुलर जेल, जिसे ब्रिटिश राज में काला पानी कहा जाता था। स्वतंत्रता संग्राम के कितने ही सैनिक यहाँ शहीद हुए। इन गैलोज में न जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स को सूली पर चढ़ा दिया गया। आज भी यह जगह उनकी कुर्बानियों की दास्तां बयान करती है। पोर्ट ब्लेयर से वाइपर आइलैंड्स तक की फेरी ट्रिप छोटी है। इस आइलैंड का नाम यहाँ पहुँचने वाली पहली शिप के नाम पर पड़ा, जो अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में डूब गई। यहाँ इस छोटे से हिल पर खड़े इन गैलोज में विमेन फ्रीडम फाइटर्स को सजाए मौत दी जाती थी। वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करने के लिए एंडमैन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक मस्ट विजिट स्पॉट है। यहाँ तरह तरह के वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। वाटर स्कूटर से जी भर जाए तो सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। और अगर सेलिंग में कामयाब ना हो तो किसी फास्ट बोट पर लहरों के ऊपर हवा से बातें कर सकते हैं। इट्स एन एग्जिलरेटिंग एक्सपीरियंस। पोर्ट ब्लेयर से एक 20 मिनट की इंटरेस्टिंग बस जर्नी के बाद पड़ता है वांडू। वहां से एक घंटे की अमेजिंग बोट राइड के बाद एंडमैन के खूबसूरत आइलैंड में से एक है जॉली बॉय आइलैंड। साफ शीशे जैसा पानी और दुनिया भर का सुकून। जस्ट रिलैक्स एंड सोक इट इन। ग्लास बॉटम बोट से समुद्र के नीचे की जो दुनिया नजर आती है, उसकी खूबसूरती का जवाब नहीं। सिंपली अमेजिंग। शॉपिंग के लिए पोर्ट ब्लेयर का बाजार आइडियल जगह है, खासकर सुविनियर्स के लिए। यहाँ पर बिकने वाले सी शेल क्रिएशन वाकई ही एक्सक्विजिट है। यादगार के तौर पर स्पेशल पोर्ट ब्लेयर टी शर्ट भी खरीदी जा सकती है। पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 15 मिनट दूर है ऐतिहासिक रॉस आइलैंड, जहाँ फेरी से पहुंचा जा सकता है। 1942 में जब जापानीज आर्मी ने ब्रिटिशर्स को मात देकर एंडमैन पर अपना कब्जा जमाया,
तो रॉस आइलैंड उनका बेस था। आज यहाँ पुरानी इमारतों के रुइंस ही बाकी हैं। Wildlife here is quite tame. Port Blair से Sink Island पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, जो Andamans का शायद सबसे खूबसूरत and definitely the most unspoiled island है। स्नॉर्कलिंग के लिए ये जगह आइडियल है। पानी के नीचे बिछे कॉरल गार्डन और उनके बीच तैरती तरह तरह की मछलियाँ। कॉरल के 1000 स्पीशीज में से 135 स्पीशीज एंडमंस में ही मिलते हैं। सिंक आइलैंड्स का माहौल पूरे एंडमंस का प्रतीक है। सच, ये भारत का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ मॉडर्न जमाने के कदम तो पहुँचे हैं, लेकिन कुदरत का जादू अभी खत्म नहीं हुआ। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर हफ्ते में 3 बार जाती है, मद्रास से पोर्ट ब्लेयर हफ्ते में 2 बार, कलकत्ता और मद्रास से पोर्ट ब्लेयर के लिए हफ्ते में 1 बार शिप भी चलते हैं। एंडमन में रहने के लिए अच्छी जगह है बे आइलैंड होटल इन पोर्ट ब्लेयर और एंडमन बीच रिजॉर्ट एट कॉबिंस पोर्ट। एंडमन जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर और अप्रैल के महीने में। एंडमन जाने के लिए विजिटर्स को परमिट की जरूरत होती है। शिप पैसेंजर्स को अपने परमिट टिकट खरीदने से पहले लेने चाहिए। तेज धूप से बचने के लिए अपने साथ सनटैन लोशन, हैट्स और ग्लासेस जरूर लेके जाएं। किन्नौर एंड एंडमन, ऑसम वन डे। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश की प्राकृतिक सुंदरता, एनवायरमेंट और इकोलॉजी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना सिर्फ हमारी ड्यूटी ही नहीं, हमारी जरूरत भी है। सी यू अगेन नेक्स्ट वीक फॉर मोर एक्साइटिंग हॉलीडेज to exotic destinations. Kahan? You'll have to wait and find out. Maybe India, maybe abroad. See you next week. Goodbye. Aur ab is hafte ka quiz question. In which state is Sangla Valley situated? Sangla Valley Bharat ke kis rajya mein sthit hai? Quiz jeetne wale ko milega 2 raaton ka free stay at Banjara Adventure Camp Sangla Valley. Apna jawab 2 rupaye ke competition postcard par ek hafte mein is pate par bhejein. Indian Holiday Quiz Number 10, Set India Private Limited, PO Box Number 1742, GPO, Mumbai 400001, India, TBC.